मॉर्निंग गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू बेसिक्स में। आज हम बात करने वाले हैं जो DSSSB की पोस्ट निकली है नर्सिंग ग्रेड ए के लिए, उसमें बहुत लोगों की कन्फ्यूजन है कि हम BSc नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में आपको मैं पूरा क्लियर कट बता दूंगा कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और इन्होंने एक्चुअली बड़ा ही गलत काम किया है BSc नर्सिंग वालों के लिए। मैं आपको बताता हूँ क्या गलत किया है। ये देखिए इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोल लेते हैं हम और चलते हैं सीधा अपनी नर्सिंग ग्रेड के पोस्ट के ऊपर। हाँ जी, ये देखिए, ये है नर्सिंग की पोस्ट कोड जो 1923 नर्सिंग ग्रेड ए, और इसमें जो क्वालिफिकेशन दी गई है वो है मैट्रिक और डिप्लोमा, और इसमें कोई BSc नर्सिंग या MSc नर्सिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया। तो इससे साफ पता चलता है कि ये सिर्फ GNM डिप्लोमा वालों के लिए है। मैं भी एक्चुअली अपनी वाइफ का एग्ज़ाम भर रहा था तो कई यूट्यूबर ने हमारे काफ़ी यूट्यूबर्स ने हमें बहुत कशमकश में डाला हुआ था कि आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई कह रहा है नहीं कर सकते, बट रियलिटी कुछ और ही है। जब मैंने खुद अप्लाई किया तो तब मेरे बात में समझ आई कि हम अप्लाई नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूँ, ये DSSSB की साइट है, मैं भर रहा था ये, एंड इस पर क्लियरली लिखा हुआ है कि मैट्रिक फ्रॉम रेकोगनाइज्ड डिप्लोमा इन जर्नल एंड रजिस्ट्रेशन काउंसिल विद इन, एंड इस पर क्लियरली लिखा हुआ है कि आप सिर्फ डिप्लोमा ही वैलिड है, और जब इसको सिलेक्ट करते हैं तो डिप्लोमा की ही ऑप्शन आती है, BSc नर्सिंग की कोई ऑप्शन नहीं आती। इज नॉट गुड, मेरे हिसाब से तो BSc की पोस्ट होनी चाहिए थी। बाकी आप अगर कोई कर रहा है BSc तो वो अप्लाई मत करे, क्योंकि आपकी फीस भी जाएगी, और इस पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट ही शी इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन गिवन अबव, और इसमें जो लिखा हुआ है कि अगर आप क्वालिफिकेशन के अगेंस्ट कुछ भरते हो तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो कोई उसका फ़ायदा नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो आप BSc नर्सिंग वाले इसको ना अप्लाई करें, एंड बाकी देखते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, लाइक और सब्सक्राइब करें।